नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर वन न्यूज चैनल। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है टॉप 5 का, यानी 5 बजे 25 खबरें हम आपको देंगे, दिन भर का पूरा अपडेट। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला और शुरू करते हैं फूलपुर में राहुल गांधी और अखिलेश की जनसभा में बेकाबू भीड़ के चलते हुई भगदड़ की। तो इस कारण दोनों नेता बिना बोले वहां से निकल गए। जानकारी के मुताबिक सपा प्रमुख अखिलेश के पहुंचते ही कार्यकर्ता बेकाबू हो गए थे, बैरिकेडिंग तोड़कर मंच तक पहुंचने लगे। भगदड़ में कई लोगों के जख्मी होने की भी जानकारी मिली है। भगदड़ की वजह से मीडिया कर्मी के कैमरे के स्टैंड भी टूट गए। हंगामे के चलते बिना भाषण के ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव को वापस जाना पड़ा। अव्यवस्था के कारण फूलपुर में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बता दें कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा रैली थी, फूलपुर के पांडिला में होनी थी, मगर इस घटना के कारण दोनों नेताओं ने रैली को पूरा संबोधित ही नहीं किया। और वर्णित गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वर्णित, आखिर चूक कहां पर हुई? क्या प्रशासन या फिर ये समझा जाए कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता ये भाप नहीं पाए किस तरह की स्थिति वहां पर निर्मित हो सकती है? लापरवाही कहां पर हुई है? जाहिर तौर पे लापरवाही तो है। इसमें जो जिला लेवल पे जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो पूरी व्यवस्था है उसको जो है उसको चाक चौबंद रखें, उसके ऊपर जो है पूरी नजर रखें। साथ ही साथ उन्हें लोकल जो पुलिस है उसके साथ भी कोऑर्डिनेट करना होता है, जिससे कि लोग जो है वो सिक्योरिटी जो एरिया है उसको ब्रीच ना कर पाए। बहरहाल इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था किस तरीके से मंच के बहुत ज्यादा करीब और कुछ लोग तो मंच के ऊपर भी चढ़ गए। और बताया जा रहा है कि माइक का तार जो है वो टूट गया था, जिससे कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो है संबोधित नहीं कर पाए जनता को, और भीड़ जो है वो भी बेकाबू हो गई। वो अपने नेता को सुनना चाहती थी, जिसके चलते जो है ये पूरी घटना जो है घटित हुई है। इसके अलावा जो सपा के जो जिला अध्यक्ष है उनकी लापरवाही से भी अखिलेश यादव खासा नाराज हैं, और जो सपा जिला अध्यक्ष है अनिल यादव उनके उनसे जो है नाराज होने के बाद जो है अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो है सभा को बीच में ही बिना संबोधित किए वहां से चले गए। जी, क्या आने वाले दिनों में वर्णित फिर से यहाँ पर सभा का आयोजन किया जाएगा पांडिला में? देखिए, अलग अलग जगहों पे जो है सभा के आयोजन जो है वो किए जा रहे हैं, और ये जो चूक हुई है ऐसी ही चूक जो है, मतलब अगर कहा जाए कि कई बार ऐसा भी होता है कि सभा में किसी और को आना होता है और आता कोई और है, जैसे कि कल बीजेपी की भी एक सभा हुई थी रायबरेली में, वहां पे भी कुछ इस तरीके की घटना थी कि हेमा मालिनी को आना था रोड शो में लेकिन वो नहीं आ पाई, उसके अलावा उनकी जगह पे फिर अपर्णा यादव वहाँ वो रोड शो संभाल ली। तो ऐसी कई जो है खामियां चूक जो है वो होती रहती है। बहरहाल लगातार जो है इन लोगों की जो रैलीज है वो लगी हुई है। अखिलेश यादव राहुल गांधी दोनों ही पूरा दम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इंडी गठबंधन का, और जिस तरह से भीड़ आ रही है ये लोग खासा जो है इससे उत्साहित भी दिख रहे हैं। जी, ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए वर्णित। मदद के लिए, सहयोग मांगने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी और हम सब मिलकर के आपसे मदद और सहयोग मांगने आए हैं। लड़ाई इस कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की लड़ाई है। बीजेपी आरएसएस इस पर आक्रमण कर रहे हैं, कोई भी शक्ति इसको पार कर फेंक नहीं सकती है, ये जनता का संविधान है। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में सीएम केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है, जिसके विरोध में सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को भाजपा हेडक्वार्टर पर मार्च कर प्रदर्शन किया। मार्च में आप सांसद, विधायक और नेता शामिल हुए। प्रदर्शन किसी बड़े नेता की गिरफ्तारी के बिना करीब 1.5 बजे खत्म हो गए। इस दौरान पुलिस ने कुछ आप समर्थकों को हिरासत में लिया है, लेकिन उन्हें कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। वहीं दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त की है और सीएम अरविंद केजरीवाल के घर से सीसीटीवी जब्त किए गए। खुद ही जाके ये सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं हाँ जी पैसे की तो कोई रिकवरी नहीं हुई, तो क्या हवा में हो गया क्या? शराब घोटाला और बहुत सारी बातें आने वाली हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये किसी भी नीचता तक गिर सकते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। आने वाले समय में आप लोग सतर्क रहना। हमारी ही पार्टी की एक सांसद
चाह रही हैं कि आम आदमी पार्टी को नुकसान हो। सारा देश आज चाह रहा है कि किसी तरीके से इस तानाशाही को खत्म किया जाए। प्रधानमंत्री को, एक सिटिंग प्रधानमंत्री को सीधे सीधे एक चैलेंज देना कोई आसान बात नहीं है, वो दे रहे हैं। सरकार बदलने जा रही है 4 जून को, फिर भी मस्ती जो है सरकार की अब कम नहीं हुई है। आज भी अपोजिशन को डराया धमकाया जा रहा है, सिर्फ दिल्ली में नहीं मुंबई में भी हो रहा है। केजरीवाल जी ने इस आंदोलन का जिक्र किया है तो आंदोलन बहुत अच्छा है। जैसे शाहजहां शेख मुस्कुरा मुस्कुरा कर जा रहा था, वैसे ही विभव कुमार भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनको पता है शाहजहां शेख की तरह कि सीएम का हाथ उसके साथ है। विभव कुमार के पास केजरीवाल जी के ऐसे कौन से राज है, कौन से रहस्य है कि आज भी अरविंद केजरीवाल, एक व्यक्ति जिसको कोर्ट ने रिमांड पे भेज दिया है, उसके बचाव में इस प्रकार का प्रदर्शन और आंदोलन निकालने के लिए खड़े हो चुके हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए और रामलला के से कांग्रेस की सरकार बनाने का आशीर्वाद उन्होंने मांगा। वहीं पीसी शर्मा के अयोध्या जाने पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल कह रहे हैं कि आलाकमान के डर से कांग्रेस नेता चोरी छिपे रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। रजनीश अग्रवाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस वामपंथियों की विचारधारा में बुरी तरह फंस चुकी है और इसलिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का तिरस्कार किया था। उधर कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के बयान पर पलटवार किया। कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा ने कहा है कि क्या कांग्रेस नेता राम मंदिर का चंदा खाने वाली बीजेपी की परमिशन लेकर दर्शन पूजन अब करेंगे। तो वही छिंदवाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार नकुलनाथ ने कहा है कि मोदी की गारंटी और 400 पार का नारा अब गायब हो चुका है। इंडिया गठबंधन को इस चुनाव में अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। हम अपने मैनिफेस्टो को पब्लिक तक पहुंचने में थोड़ा लेट जरूर हुए हैं, लेकिन उसका सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। प्रियानाथ की इमोशनल अपील पर नकुलनाथ ने कहा कि वो मन की और दिल की बात करती हैं। छिंदवाड़ा की जनता उन पर पूरा भरोसा करती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स में पोस्ट कर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने प्रियंका गांधी को टैग कर लिखा कि कांग्रेस की 70 सालों से झूठ बोलने की बीमारी है, इतनी आसानी से तो जाएगी नहीं। प्रियंका गांधी जी, झूठ फैलाने से फुर्सत मिल जाए तो आपकी कांग्रेस सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में किए गए 5,000 करोड़ के चावल घोटाले पर भी 2 शब्द कह दें। सीएम ने लिखा, आपकी अज्ञानता का फायदा उठाकर हर बार छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने नेता आप लोगों को बुद्धू बना देते हैं। सीधी से पूर्व विधायक केदार शुक्ला की जमीन की नीलामी की तैयारी है। 17 जून को उनके जमीन की नीलामी की जाएगी। दरअसल वेयर हाउस के साथ 4,83,00,000 रुपए उन पर बकाया है और इंडियन बैंक में रुपए जमा नहीं करने के मामले में अखबारों ने अब बैंक ने नीलामी का विज्ञापन निकाल दिया है। बलरामपुर के ग्राम कंदरी में चल रहे 9 दिवसीय राम महायज्ञ में 50 परिवारों ने हिंदू धर्म में वापसी की है। जशपुर से पहुंचे भाजपा के प्रदेश मंत्री प्रबल प्रताप सिंह जुदेव की मौजूदगी में परिवारों ने घर वापसी की है। बता दें कि कथावाचक सतानंद महाराज यहां कथा कर रहे थे और बीते 4 दिनों में यहां 80 परिवार हिंदू धर्म में वापसी कर चुके हैं और अब 50 परिवारों को मिलाकर उनकी संख्या 130 हो गई है। भाजपा नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने बताया कि जो परिवार किसी कारणवश दूसरे धर्म में चले गए हैं, उनका पैर पखार कर गले मिलकर स्वागत कर रहे हैं और ये लगातार जारी रहेगा। शालीमार से कुल्ला की ओर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस के 5 डिब्बे रायपुर स्टेशन से पहले उरकुरा के पास एक पाइप की मार से क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना में 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 3 की हालत गंभीर थी। घायलों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती किया गया है। इधर इंदौर में हार्ट अटैक से मौत के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। एक युवक की फिर से साइलेंट अटैक से मौत हो गई। मृतक इंदौर के हाईराइज बिल्डिंग में रहकर बीएड की पढ़ाई कर रहा था। वो सुबह घर में पढ़ाई कर रहा था, तभी अचानक बेसुध होकर गिर पड़ा। परिजन पास के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का भी कहना है कि साइलेंट अटैक आने से ही उसकी मौत हुई है। मृतक संदीप के पिता फॉरेस्ट विभाग में पदस्थ हैं और घर के अन्य लोग भी पुलिस विभाग में हैं। रायसेन के उदयपुरा के निवासी छात्रा पुनीत दुबे का शव इंदौर में खड़वा नाका इलाके में फंदे पर संदिग्ध हालत में शुक्रवार की रात लटका मिला है।
21 साल के छात्र इंदौर में रणजीत सिंह कॉलेज से बीएससी कर रहा था। वो सेकेंड ईयर का छात्र था। छात्र ने महिलाओं की तरह साड़ी पहन रखी थी और मेकअप भी किया था। छात्र के दोनों हाथ बंधे हुए मिले, आंखों पर पट्टी भी बंधी थी और शव के पास खून बिखरा हुआ पड़ा है। छात्र के परिजनों ने मामले की जांच की मांग की है। वहीं किसान संघ ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। मां के शव को हाथ ठेले पर ले जाने वाले मामले में नया मोड़ सामने आया है। पूरा घटनाक्रम खिरकिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है, जहां अस्पताल प्रबंधक अपनी नाकामी छिपाने के लिए शव ले जा रहे बेटे को रास्ते से वापस अस्पताल लाया था और फिर अस्पताल के शव वाहन से शव को घर पहुंचाया था, जिसका पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। वहीं मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन सीसीटीवी कैमरे के फुटेज मीडिया को उपलब्ध कराकर अपनी सफाई दे रहा है। इधर राज्य में एक बांध में डूबने से युवक की मौत हो गई। दरअसल वो मछली पकड़ने के लिए बांध में उतरा था और कई घंटे के रेस्क्यू के बाद पुलिस ने युवक के शव को बांध से निकाला है। मृतक रायपुर का रहने वाला है। फिंगेश्वर थाने के सरकंडा बांध की घटना है। वहीं जबलपुर नर्मदा में डूबने से 14 साल के नाबालिग की मौत हो गई है। नहाने के दौरान डूबने से नाबालिग की मौत हुई। गोसलपुर से नर्मदा में वो परिवार नहाने गया था। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाल लिया गया है। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के सरस्वती घाट की ये पूरी घटना है। भोपाल से खबर है। हबीबगंज थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक से मारपीट की गई है। अज्ञात युवक मारपीट कर फरार हो गए। बंसल वन के पास एक महिला की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और महिला मजिस्ट्रेट बताई जा रही है। एक्सीडेंट के समय खुद महिला भी वहां मौजूद थी। एफआरवी पर तैनात प्रधान आरक्षक सूचना के बाद पहुंचे थे और मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने पुलिसकर्मी से मारपीट ही शुरू कर दी। मारपीट से प्रधान आरक्षक राम प्रवेश बुरी तरह से घायल हो गया है और बताया जा रहा है कि मारपीट के बाद नशे में जो धुत आरोपी थे वो फरार हो गए। गाड़ी नंबर के आधार पर हबीबगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और ड्राइवर पर कई धाराओं में मामला भी दर्ज किया है। आरोपी की कार भी पुलिस ने बरामद कर ली है और फरार आरोपी की अब तलाश की जा रही है। और इधर रीवा में पुलिस अधिकारी की दबंगई सामने आई है। चलानी कार्रवाई के दौरान टीआई और वाहन चालकों में जमकर बहस हुई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो लोगों को धमका रहे हैं और युवक को जबरन घसीट रहे हैं। टीआई की इस हरकत का वीडियो वायरल हो रहा है। गाली का विरोध करने पर उन्होंने कुछ युवकों को घसीटा है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अजगरहा के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है। वहीं एक और मारपीट की खबर है। रतलाम का जिला अस्पताल बीती रात जंग का मैदान बन गया। यहां दो पक्ष आपस में ऐसे भिड़े कि पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जिसके हाथ में जो लगा उसे लेकर वो दूसरे पर टूट पड़ा। जिला अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की गई है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। पूरे मामले की शुरुआत कल मारक चौक थाने से हुई, जब एक पक्ष जमीनी विवाद के चलते मारपीट की शिकायत लेकर थाने पहुंचा था, जिस पर पुलिस पीड़ित को लेकर मेडिकल के लिए जिला अस्पताल पहुंची थी। वहीं दूसरा पक्ष भी आ गया और देखते ही देखते दोनों पक्ष एक दूसरे पर भिड़ गए। पुलिस ने इस पूरे मामले में मारक चौक और स्टेशन रोड थाना पर 10 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं खैरागढ़ में खेत में मिला एक युवक का शव मिला है। शरीर की चोट के निशान भी मिले हैं और हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और खैरागढ़ थाने के दीवारी भाट की ये पूरी घटना है। इधर रायपुर में एक बार फिर से चाकूबाजी का मामला सामने आया है। महिला किराना कारोबारी पर जानलेवा हमला किया गया। आरोपी महेंद्र धीवर ने चाकू से कई वार किए और शरीर के कई हिस्सों पर चाकू से हमला किया है और हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार है, लेकिन पुलिस ने मारपीट गाली गलौज जैसी मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया है। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र के कोटा कॉलोनी का मामला है। वहीं छतरपुर नौगांव हनी ट्रैप का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है। हनी ट्रैप गैंग में युवक को फंसाकर लाखों रुपए की मांग की थी और गैंग की दो महिलाएं पहले गिरफ्तार हो चुकी हैं। गिरोह का सरगना निगरानीशुदा बदमाश है। पति पत्नी दोनों मिलकर इस गैंग को चलाते थे। नौगांव थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। भोपाल से भी तोड़फोड़ की खबर सामने आई है। तलवार लहराते और कार तोड़ते बदमाश का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। व्यापारी पर हफ्ता वसूली का दबाव बनाता था आरोपी और व्यापारी के पास से पैसा ना देने पर वारदात को अंजाम दिया गया। तलवार के हमले से युवक घायल हो गया है। पहले भी भाजपा नेता पर धारदार हथियार से हमला कर चुका है आरोपी। गौतम नगर थाना क्षेत्र का मामला है।
इधर राज्य में पारा गांव में भवन निर्माण को लेकर जमकर मारपीट हुई है। दरअसल गांव में एक बैठक चल रही थी जिसमें ग्रामीण आपस में ही भिड़ पड़े। मारपीट में करीब 6 लोग घायल हुए हैं और मारपीट के बाद दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए थाने पहुंचे। जबलपुर में बैग पर्स की दुकान में भीषण आग लग गई। आग में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। लाटगंज क्षेत्र के गंजपुरा इलाके का मामला। खबर मुरैना से है जहां अवैध शराब कारोबारी पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 35 पेटी देशी शराब समेत दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में ये अवैध शराब की तस्करी करते थे। बागचीनी थाना क्षेत्र के पूरा रोड की ये घटना है। इधर उमरिया में बाघ के हमले में बीते दिनों एक युवक घायल हुआ था जिसकी मौत हो गई है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। 4 दिन पहले बाघ के हमले में युवक घायल हुआ था। तेंदुपत्ता तोड़ने गया था तब ग्रामीण पर बाघ ने हमला कर दिया था। पनपथा बफर रेंज के सुखदास बीट का यह मामला है। वहीं बलौदाबाजार में बाबा अगमदास की गुफा में लगे प्रवेश द्वार और जैद खाम के जोड़े को असामाजिक तत्वों ने ध्वस्त कर दिया था, जिससे सतनामी समाज में भारी आक्रोश है। मामले को लेकर बिलाईगढ़ विधायक कविता प्राण लहरे, पूर्व मंत्री रुद्रगुरु और सतनाम समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ FIR दर्ज की और घटना के 24 घंटों के अंदर संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि बाबा अगमदास सतनाम पंथ के गुरु घासीदास के बेटे हैं। अभी 24 घंटा में दे देते मुजरिम ला तो दे देते। अगर 24 घंटा के अंदर नहीं देते तो आप सब देखा था रूबरू कैसे हो हमार समाज है। भूखा प्यासा सबो दाई दीदी मन कका बाप सियान मन बैठे। उनके स्तंभ को आरी से काटा गया। आपको उसका वीडियो भी ना लोग किसी से भी आप ले लीजिएगा उस जगह का, मतलब स्पष्ट दिख रहा है कि आरी से काटा गया। मुरैना में कछुआ की तस्करी करते वीडियो वायरल हो रहा है। चंबल नदी से कछुओं की तस्करी की जा रही थी। मुरैना वन विभाग और यूपी के अधिकारियों में इस घटनाक्रम के बाद हड़कंप मचा हुआ है। 3 युवकों का चंबल नदी से कछुओं को पकड़ते हुए वीडियो सामने आया है। युवकों के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट की धाराओं में FIR दर्ज कर लिया गया है। तीनों युवकों की तलाश में यूपी के वन विभाग की टीम जुटी हुई है। इधर जबलपुर की नर्मदा और हिरण नदी में रेत माफिया खुलेआम हाईफाई डिवाइस लगा रहे हैं और रेत का अवैध खनन कर रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय यादव ने नर्मदा घाटों पर जाकर स्थानीय पुलिस को अवैध रेत खनन की जानकारी भी दी और अवैध रेत खनन के कुछ फोटोज और वीडियोज भी जिला प्रशासन को सौंपे हैं। इस दौरान संजय यादव ने प्रशासन से रेत माफियाओं पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने भी माना है कि नर्मदा तट से लगे हुए गांव में रेत खनन की शिकायतें सबसे ज्यादा है। पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है। माफिया तो अब पुलिस के संरक्षण में है और कलेक्टर साहब और SP साहब ने हमेशा पकड़ने के निर्देश दिए हैं। यहाँ के स्थानीय तहसीलदार खनिज अधिकारी ये सब पैसे लेते हैं और पैसे लेकर नर्मदा का सीधा छलनी करवा रहे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये रेत खनन की लगातार शिकायत इसमें आ रही है। हमारी टीम इसमें कार्रवाई कर रही है, केसेस भी बन रहे हैं इसमें और चुस्ती दुरुस्ती के साथ कार्रवाई करेंगे। वहीं रायगढ़ में अनियंत्रित होकर एक बाइक पेड़ से टकरा गई। बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। शादी में शामिल होने ये तीनों युवक जा रहे थे। ललुंगा थाना क्षेत्र के करराहन गांव की ये घटना है। इधर देवास में ग्रामीणों ने एक युवक की पिटाई कर दी। दरअसल गौहत्या के शक में ग्रामीणों ने एक युवक को जमकर पीटा और पीटने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। हिंदू संगठन ने कार्रवाई को लेकर चक्का जाम किया है। बरौठा थाना क्षेत्र के बरखेड़ा का मामला है। तो छत्तीसगढ़ में जंगली जानवर रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं, जिससे लोग दहशत के माहौल में आ गए हैं। आपको हम 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहां पर जंगली जानवरों का आतंक देखा जा रहा है। धमतरी में 40 हाथियों का दल सड़क पार करता हुआ नजर आ रहा है। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। सीता नदी उदंती क्षेत्र के बोराई सिहावा में हाथियों का ये दल धान की फसल और सोलर प्लेट को नुकसान पहुंचा रहा है। वन विभाग ने बोराई और नवागांव समेत 8 गांव में अलर्ट जारी किया है। वहीं पेंड्रा ने गांव के पास खेत में एक भालू दिखा है। मरवाही वन परिक्षेत्र के पिपरिया गांव के एक खेत में घूमते हुए भालू का ये वीडियो राहगीरों ने बनाया है। इन दिनों भोजन और पानी की तलाश में जंगली जानवर गांव की ओर आ रहे हैं।
नर्मदापुरम से आपको बता दें, जहां नर्मदा नदी में दो नाबालिग के डूबने से मौत हो गई है। नदी में नहाने के दौरान यह दर्दनाक हादसा हुआ है। गोताखोरों ने दोनों के शव को बाहर निकाल लिया है। दरअसल नर्मदा घाट पर भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें ये दोनों लोग शामिल होने के लिए पहुंचे थे। दोनों के ही शव को अब पुलिस ने जिला अस्पताल भेज दिया है। तो बेहद दर्दनाक की खबर आपको नर्मदापुरम से बता रहे हैं। और आज कुछ ऐसी ही खबर जबलपुर से भी सामने आई, जहां पर तिलवारा घाट में नहाने के दौरान छलांग लगाते हुए दो युवकों का निधन हो गया। और अभी दूसरी बड़ी खबर नर्मदापुरम से आप देख रहे हैं, जहां पर दो नाबालिग की डूबने से मौत हुई, यानी एक दिन में डूबने से कुल 5 लोगों की मौत हुई है। जबलपुर में दो अलग अलग घटनाक्रम में 3 लोगों ने दम तोड़ा, और वहां नर्मदापुरम में आप देखिए 2 लोगों की मौत हुई है। ये दोनों ही नाबालिग थे, जो नहाने के लिए गए हुए थे, भंडारे में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान ये नहाने चले गए और ये दर्दनाक हादसा हो गया। तो देखिए, नर्मदापुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, नर्मदापुरम से, जहां पर नर्मदा नदी में डूबने से दो नाबालिग की मौत हो गई है। और जैसा कि आकांक्षा ने बताया कि ये दुष्कर्म में शामिल होने गए थे और इसी दौरान भंडारे में शामिल होने गए थे, इसी दौरान ये नदी में नहाने चले गए और दोनों की डूबने से मौत हो गई है। और फिलहाल इसी के साथ टॉप 5 में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ IBC 24। हम तीनों को ही दीजिए इजाजत। नमस्कार।